था तेजस का दीवाना बना हुआ था अमेरिका। भारत के वैज्ञानिक ने बना दिया। उस तेजस का भी बाप ताकत और रेंज का दृश्य देख फिर हैरान हो गया अमेरिका। दोस्तों, मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत नए नए हथियारों का मालिक बनता जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जिनका तोड़ दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद ही नहीं। एक तरफ जहां भारतीय सेना को मिसाइलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वैज्ञानिक 5+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार करके इतिहास रचने के लिए तैयार है। दोस्तों, भारत के साथ युद्ध करने और भारतीय हथियारों को मजाक उड़ाने वाला चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि अब चीन धीरे धीरे भारत से पिछड़ता जा रहा है और इस फहरिस्त में भारत के रक्षक वैज्ञानिक ने दुश्मन के लिए एक और महायोद्धा खड़ा कर दिया है, जिसकी बनावट, आकार, वजन, ताकत और रेंज को देखकर ना केवल चीन बल्कि अमेरिकी वैज्ञानिक भी हैरान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये महायोद्धा कोई और नहीं बल्कि भारत का तेजस 2.0 है, जिसने दुनिया में भौकाल मचाकर रख दिया है। भारत के वैज्ञानिक ने तेजस के इस एडवांस वर्जन को लेकर जो नया अपडेट दिया है, वो भारत के हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के इसी महान हथियार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके नाम से दुश्मनों में कपकपी छूट रही है और अमेरिका तक ये बवाल मचने लगा है। वीडियो को अंत तक देखिए और जरूर जानिए, क्योंकि आज बात हो गई भारत के एक ऐसे महान योद्धा की, जिसने ना केवल चीन बल्कि अमेरिका तक को कर दिया है हैरान। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार लेकर जा पाएगा तेजस 2.0, वो तकनीक जो सिर्फ भारत करने वाला है इसमें इस्तेमाल। दोस्तों, भारत में तैयार किए गए लाइट वेट कैटेगरी के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान तेजस की पूरी दुनिया में धूम मची है। अब इसी विमान को सबसे हल्का बनाए जाने पर काम किया जा रहा है, जो मौजूदा LCA तेजस का एक नया अवतार होगा। हाल के दिनों में लाइट वेट फाइटर जेट तेजस को कई देशों ने खरीदने में अपनी रुचि दिखाई थी। नया वर्जन तेजस 2.0 तेजस मार्क 1 एंड तेजस मार्क 1A की तुलना में आधुनिक तकनीकों से और लेस होगा। इस नए वर्जन की खासियत ये है कि ये दुनिया में मौजूद किसी भी लड़ाकू विमान से ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम होगा। सितंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मात्र के प्रोटोटाइप उड़ान, परीक्षण और प्रमाणन के साथ 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के विकसित करने वाले मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इसके अलावा सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए भी हरी झंडी प्रदान कर दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। लड़ाकू विमानों में अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया जाए तो लड़ाकू विमान कितना घातक हो सकता है। दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों में किया जाता है। साधारण फाइट और जेट जब दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है तो दुश्मन के द्वारा तैनात किए गए राडार सिस्टम उसे डिटेक्ट करते हैं और डिफेंस सिस्टम उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अगर किसी लड़ाकू विमान में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया गया तो उस लड़ाकू विमान का राडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाएगा, यानी दुश्मन के द्वारा तैनात किए गए रेडार सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को आसानी से चकमा दिया जा सकता है, यानी कि ऐसा लड़ाकू विमान जो राडार की पकड़ में ही ना आए, यानी कि उसकी मौजूदगी का एहसास कम से कम हो। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी काफी महंगी और जटिल होती है, यही कारण है कि इस तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही करते हैं। लेकिन अब जल्द ही इस तकनीक का इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। सबसे पहले इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में किया जाएगा और उसके बाद भारत में आने वाले लड़ाकू विमानों जैसे कि M का मार्क 1, M का मार्क 2, गामा और गुफा में इस टेक्नोलॉजी की और भी ज्यादा एडवांस बना दिया जाएगा। दोस्तों, भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा ये नया योद्धा एक तरह से गायब होकर दुश्मनों में तबाही मचाएगा। दुनिया का कोई भी देश राडार सिस्टम से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं कि तेजस 2.0 में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाएगा, क्या होने वाला है LCA तेजस मार्क 2 में खास। दोस्तों, तेजस के नए वर्षन के इंजन ज्यादा ताकतवर होंगे। इस लड़ाकू विमान में पहले के विमान की तुलना में ज्यादा लड़ने की क्षमता होगी, साथ ही इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा हथियार लेसेस किए जा सकेंगे। तेजस मार्क 1 AMNG EF 404 इंजन लगा था। इस इंजन के पीक पावर क्षमता 81 किलो न्यूटन थी, लेकिन नए वर्जन यानी कि तेजस 2.0 में GE 414 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसकी पीक पावर क्षमता 83 किलो न्यूटन होगी,
इस लड़ाकू विमान में एक साथ 8 से लेकर 10 BVR मिसाइलों को ले जाने की ताकत होगी। BVR मिसाइलों को बहुत दूर तक हमला करने वाली मिसाइलें कहा जाता है। अब तक किसी भी हल्के लड़ाकू विमान में 4 से ज्यादा BVR मिसाइलों को ले जाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन तेजस 2 पॉइंट वो ऐसी 10 मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम होगा। तेजस 2 पॉइंट ओ में अधिक ताकतवर इंजन लगाया जाएगा। तेजस 1 का वजन 14.5 टन था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17.5 टन कर दिया गया है। तेजस 2 पॉइंट वो 4.5 टन पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, जबकि इसके पहले तेजस मार्क 1 केवल 3.5 टन का पेलोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम था। दोस्तों, तेजस 2 पॉइंट वो अपने पुराने वर्षन से काफी ज्यादा बेहतर है। इस लड़ाकू विमान को बनाए जाने के बाद भारत में विदेशों से मंगाए गए जगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 को हटा दिया जाएगा। तेजस 2 पॉइंट वो कि अधिकतम गति मैक्स 2 यानी कि 2475 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी ये लड़ाकू विमान राफेल से भी तेज होगा। ये लड़ाकू विमान अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम रहेगा। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 गन, हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल और 5 प्रकार के बम लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, तेजस मार्क में ब्रह्मोस को भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम भी लगाया गया है, इसीलिए पीछे से मिसाइल अटैक होने पर विमान पीछे की तरफ से इतना घना धुआं छोड़ेगा कि दुश्मन के मिसाइल कंफ्यूज होकर टारगेट को मिस कर देगी। इस विमान की स्ट्रेल्थ टेक्नोलॉजी को पहले से भी काफी ज्यादा मजबूत किया गया है। दोस्तों, तेजस मार्क 2 को भारतीय सेना के लिए DRDO विकसित करने में लगा है। इसके बाद इसे बनाने का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अभी तक जो लक्ष्य तय किया गया है उसके अनुसार ये विमान इस साल तक अपनी पहली उड़ान पूरी भी कर लेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारत को तेजस 2.0 वर्जन के लिए गर्व करना चाहिए? इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।